उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर केदारनाथ धाम पहुंची। यहां इस दौरान उन्होंने यहां के हालचाल, पुनर्निर्माण और विकास कार्यों का जायजा लेते हुए समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने आस्था पद, गेस्ट हाउस, म्यूजियम समेत अन्य निर्माणाधीन कार्यों का जायजा लेते हुए तय डेडलाइन से पहले सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसी क्रम में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निर्माणाधीन भवनों के निर्माण में आ रही समस्याओं की जानकारी भी ली। साथ ही रेन शेल्टर, मंदाकिनी और सरस्वती नदियों के घाट पर चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। देखिए, जो केदारपुरी में रिकंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उसमें यहाँ पे पूरी टीम लगी हुई है। सभी विभाग के अधिकारी हैं, डीएम भी हैं यहाँ पे, सचिव पर्यटन हैं, जो ओएसडी हैं खुलबे जी, हम सब लोगों ने यहाँ पे निरीक्षण किया और सभी काम शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है। और यही निर्देश दिए गए हैं कि 10 मई को जब कपाट खुलेंगे उसके पहले जितने भी काम पूरे होने हैं उनको समय से पूरा कर लें और श्रद्धालु जो आएँ उनको कहीं कोई कठिनाई ना हो। उसके लिए नए इनिशिएटिव्स भी बहुत सारे लिए जा रहे हैं। उनको कियोस्क बना के भोजन की सुविधा रहेगी, मंदाकिनी पथ से जाएंगे वो दर्शन करने के लिए, वो एक नई व्यवस्था रहेगी। बहुत सारे नए टॉयलेट्स भी बनाए जा रहे हैं जिससे श्रद्धालुओं को कहीं भी कोई कठिनाई ना हो।